नमस्कार, जय माता दी सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रोबानी में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल 25 अक्टूबर है, मंगलवार का दिन है और कल साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो इस दिन क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, इसके बारे में वीडियो में आपसे बात की जाएगी। सूर्य ग्रहण का असर हर किसी की ज़िंदगी में पड़ता ही पड़ता है। कुछ अच्छे असर पड़ते हैं, कुछ बुरे असर पड़ते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सकारात्मक असर ही आपकी ज़िंदगी में पड़े, तो उसके लिए अगर आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे सूर्य ग्रहण के दिन, कुछ विशेष चीज़ें करेंगे, तो आपको बहुत लाभ होगा और सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सूर्य ग्रहण के दिन स्नान ज़रूर करना है। आपको बताते हैं क्या क्या पूरे दिन में आप सावधानी बरतेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। सूर्य ग्रहण का जो समय है भारत में है 4:29 से लेकर 6:32 तक, ये सूर्य ग्रहण का समय है। तो इस समय के बीच बीच ही आपने कुछ सावधानियां बरतनी है, बाकी पूरे दिन आप जैसे रहते हैं वैसे रह सकते हैं। ये जो समय है इस समय आपने सावधानियां बरतनी है। सावधानियां क्या बरतनी है, इस समय के बीच बीच आप अगर कुछ भी आपने काटना नहीं है, कुछ भी नुकीली चीज़ का आपने प्रयोग नहीं करना। देखिए थोड़ा सा समय है, बाकी आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इस समय के दौरान आपने किसी भी नुकीली चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, चाहे वो चाकू हो, चाहे कैंची हो, नेल कटर हो, कोई सब्जी नहीं काटनी इस टाइम, इस समय बस किसी ने भी इस समय इसका प्रयोग नहीं करता। खास करके प्रेग्नेंट वुमन्स ने, गर्भवती महिलाओं ने इस समय किसी भी नुकीली चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, एक ही जगह पर उन्होंने बैठे रहना है। पहले बताते हैं गर्भवती जो महिलाएं होंगी उन्होंने क्या करना है, उन्होंने नुकीली चीज़ का प्रयोग नहीं करना है और एक ही जगह पर बैठे रहना है, बाहर नहीं जाना है, कुछ भी ना खाना है ना पीना है। सिर्फ इस समय के दौरान आपने पूजा पाठ अपने कुल देवता या प्रार्थना करनी है, सूर्य की प्रार्थना करते रहें, गायत्री मंत्र बोलते रहें, आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा, और अपने कुल देवता कुल देवी का नाम लेते रहें इस समय के बीच बीच। तो ये चीज़ों का ध्यान गर्भवती महिलाओं ने रखना है। गर्भवती महिलाएँ इस समय तो देखिए कुछ नहीं खा सकती ना, मतलब आप पी सकते हैं ना खा सकते हैं, लेकिन जो बाकी के समय में कुछ खाएंगे, जो पूरे सूर्य ग्रहण का जो दिन होगा, इस समय जो आपको बताया है जो मेन समय होगा, उस समय ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, लेकिन इसके अलावा जो सुबह और रात का समय आप कुछ भी खाते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता अगर आप डाल देते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो ये खास ध्यान रखना है गर्भवती महिलाओं ने। अब बात करते हैं बाकी के लोगों की, बाकी सब ने क्या मतलब सावधानियां बरतनी है। बाकी लोगों ने भी इस समय के दौरान जो 4:29 का समय है, उस समय से लेकर 6:32 के समय तक कोई भी नुकीली चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, ना कैंची, ना चाकू, ना नेल कटर, कुछ भी नहीं। और खाने में आप भी अगर तुलसी का पत्ता डाल देते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। कोई भी अपशब्द का उपयोग इस पूरे दिन में आपने नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तो ये नहीं तो ये जो ग्रहण है इसका असर आपके ऊपर हावी हो सकता है। कुछ कुछ कुंडलियों में इसका असर दिखेगा, उनको गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, कोई अपशब्द मुँह से निकल सकता है, लेकिन सावधानी बरते, इस समय आपने किसी से भी लड़ाई मोल नहीं लेनी है, नहीं तो वो आगे जाकर आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। सूर्य को आपने नहीं देखना है, कई लोग जिद में आकर सूर्य को देख लेते हैं, लेकिन आपने सूर्य को बिल्कुल भी नहीं देखना है। एमरजेंसी में अगर आपको काम निकलना भी पड़े तो सूर्य की तरफ आप मत निकलें। गर्भवती महिलाएं तो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, लेकिन जो बाकी के लोग हैं अगर बाय चांस निकलना भी पड़े तो अपने सूर्य की तरफ नहीं देखना और आप काला चश्मा मतलब पहनकर बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा किसी नुकीली चीज़ का आपने प्रयोग नहीं करना है। तुलसी का पत्ते, अगर आप कुछ भी खाते हैं, कुछ खाने की चीज़, कुछ पीने की चीज़ है, अगर आप काम पर भी जा रहे हैं, अगर आप वाटर बॉटल लेकर जाते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। और इस पूरे दिन में जो 4:29 से 6:32 का समय होगा, जो मेन समय होगा, अपने कुल देवता की आपने पूजा ज़रूर करनी है, गायत्री मंत्र का प्रयोग ज़रूर करते हैं। इस समय जितना गायत्री मंत्र का आप प्रयोग करेंगे, सूर्य देवता की कृपा आपके ऊपर बनेगी और ग्रहण का कुछ भी बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा।
तो ये चीज़ें हैं जो आपने सावधानियां बरतनी है और क्या चीज़ें करनी है क्या चीज़ें नहीं करनी, इसका विशेष ध्यान रहें, आपके ऊपर सूर्य ग्रहण का कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।